हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 50 ऐसे डेली यूज वर्ड्स जिन्हें कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है हमारा शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा। शिक्षण, शिक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है टीचिंग। पढ़ाई, पढ़ाई को इंग्लिश में बोला जाता है स्टडी। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, परीक्षा। परीक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, परिणाम। परिणाम को इंग्लिश में बोला जाता है रिजल्ट। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र को इंग्लिश में हम बोलेंगे सर्टिफिकेट। ग्रह कार्य को इंग्लिश में बोला जाता है होमवर्क। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सहपाठी। सहपाठी को इंग्लिश में बोला जाता है क्लासमेट। पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक। कक्षा, कक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासरूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, उपन्यास। उपन्यास को हम इंग्लिश में बोलेंगे नोवेल। शब्दावली, शब्दावली को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम वोकैबुलरी। लेखन, लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है राइटिंग। सुनना, सुनना को इंग्लिश में बोला जाता है लिसनिंग। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बोलना। बोलना को इंग्लिश में बोला जाता है स्पीकिंग। संचार, संचार को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संचार। इसके बाद का वर्ड है हमारा शोध। शोध को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च। प्रयोग, प्रयोग को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया प्रयोग। खोज, खोज को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब हो गया खोज। काल्पनिक, काल्पनिक को इंग्लिश में बोलते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब हो गया काल्पनिक। जीवनी, जीवनी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बायोग्राफी। आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया आत्मकथा। नक्शा, नक्शा को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैप। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक का मतलब होता है गाइड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सामान। सामान को इंग्लिश में बोला जाता है लगेज। मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। खर्च, खर्च को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सपेंस। इसके बाद का वर्ड है हमारा ऐतिहासिक स्थल, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल साइट। संग्रहालय, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे म्यूजियम। स्मारक यानी कि मोनुमेंट, मोनुमेंट, मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक। संस्कृति, इंग्लिश में इसे बोलेंगे कल्चर। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इज्जत, इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं रिस्पेक्ट।
मदद, मदद को हम इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प। समर्थन यानी कि सपोर्ट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, आनुवांशिक। आनुवांशिक को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक। पर्यावरण, पर्यावरण को हम इंग्लिश में बोलेंगे एनवायरनमेंट। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण मीन्स होता है रिसाइकलिंग। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर। इसके बाद का वर्ड है हमारा पवन ऊर्जा, इंग्लिश में इसे बोलेंगे विंड पावर या फिर विंड एनर्जी। जल संरक्षण, जल संरक्षण को इंग्लिश में बोला जाता है वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण। जैव विविधता को इंग्लिश में बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। आवास, आवास को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैबिटेट। इसके बाद का वर्ड है हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। लुप्त प्राय प्रजाति को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पेसिस। इसके बाद का वर्ड है हमारा वायु प्रदूषण, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। कम करना, कम करना को हम बोलेंगे इंग्लिश में रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब हो गया कम करना। पुनः प्रयोग करना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीयूज। रीयूज का मतलब हो गया पुनः प्रयोग करना। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। स्वयंसेवी, स्वयंसेवी को इंग्लिश में बोला जाता है वॉलंटियर। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।